Good morning, everyone. We have completed our chapter 9 and today we are going to start our chapter 5, that is arithmetic progression, right? So important chapter from competitive exams point of view, you can say from your NTSC exam point of view also, right? इससे थोड़े से reasoning वाले questions भी बनते हैं आपके. For example, आपको question ये दे देते हैं, what is the sum of first 100 even numbers? What is the sum of 100 natural numbers? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में या एवरेज के क्वेश्चंस में भी ये चैप्टर हमारा काफी काम आता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे नंबर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस गिवन है तो हमने उनका एवरेज फाइंड आउट करना है. तो प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द वर्ड प्रोग्रेशन. ठीक है, प्रोग्रेशन से पहले हम बात करते हैं वर्ड सीक्वेंस की, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? व्हेन वी आर राइटिंग द नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल. ठीक है, इफ आई से दैट आई एम राइटिंग द इवन नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10, राइट? सो देयर इज अ रूल बिहाइंड राइटिंग दीज नंबर्स इन दिस ऑर्डर, दैट इज व्हाई दिस विल बी कॉल्ड अ सीक्वेंस, राइट? इफ आई से दैट आई हैव टू राइट ऑल द प्राइम नंबर्स, देन माई नंबर्स विल बी 2, 3, 5, 7, 11, ... ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस बिकॉज वी हैव द रूल बिहाइंड दिस, दैट दिस इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स. यू कैन राइट द सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स, यू कैन से 1, 4, 9, 16, 25. Is there a rule behind this sequence, behind this set? Rule hai yahan par koi? What is the rule? One square of 4, 3 square, 4 square, 9 square, 4 square, 25 square. Hamare paas ye rule hai that this is the square, or this is the set of squares of all natural numbers, right? So, ये भी हमारे पास एक रूल के अकॉर्डिंग ये सेट आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस. इफ आई से दैट आई हैव टू राइट द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, देन माय नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9, 11, ... ठीक है, ये सारे हमारे सीक्वेंस हैं. अब सीक्वेंस के अंदर से ही हमारा वर्ड आता है प्रोग्रेशन, राइट? प्रोग्रेशन इनमें से हमारे कुछ प्रोग्रेशन हैं और कुछ प्रोग्रेशन नहीं है. ठीक है, इसमें हमारा, मैं कह रही हूं कि ये मेरा प्रोग्रेशन है. ठीक है, आई एम सेइंग दिस इज नॉट द प्रोग्रेशन, दिस वन इज अ प्रोग्रेशन, दिस वन इज अ प्रोग्रेशन, ओनली दिस इज नॉट द प्रोग्रेशन, दिस इज जस्ट द सीक, नॉट अ मींस नॉट अ प्रोग्रेशन, राइट? बाकी सारे हमारे प्रोग्रेशन है. अब डिफरेंस क्या आएगा प्रोग्रेशन में? प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जिसके अंदर आप कोई रूल लगाकर उसकी एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट कर सकते हो. अगर मैं इसमें ये पूछ रही हूँ कि इसकी 100th टर्म क्या होगी, ठीक है, कैन आई फाइंड इट्स 100th टर्म? इट्स फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 4, व्हाट विल बी इट्स 100th टर्म? व्हाट विल बी इट्स 100th टर्म? बोलो. 102. 200. It's 100. दूसरी टर्म के लिए मुझे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तीसरी टर्म के लिए मुझे थर्ड टर्म के लिए 2 से मल्टीप्लाई, फोर्थ टर्म के लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 100th टर्म के लिए 100 को 2 से मल्टीप्लाई. So its 100th term will be 200, right? What will be the 100th term of this? 100 square? This is 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. So 100th term will be 100. 10,000. We can find out that particular term which we want to find out. That will be called a progression. ठीक है, बट अगर मैं कह रही हूँ कि ये इवन नंबर, ये प्राइम नंबर है, इसमें मुझे 100th टर्म बताओ क्या आएगी, इन दैट केस आपको 100 प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज
know any specific rule to reach at its 100th term, right? So this will not be a progression. Clear? Sequence and progression clear to everyone? Clear? Yes, ma'am. Okay. चलिए नाउ वी आर कमिंग मैम ये ऑड नंबर वाली सीरीज पे क्या रूल लगेगा किस पे क्या रूल लगेगा मैम ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 उसमें क्या प्रोग्रेशन है हाँ आप बताओ इसकी 100th टर्म अगर मैं निकालूं तो क्या मेरे पास इसकी 100th टर्म आ सकती है 199 आ जाएगी ठीक है बिकॉज यहाँ पे मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दो फर्स्ट टर्म के लिए 2 1 जा 2 माइनस 1 2 2 जा 4 माइनस 1 3 2 3 जा 6 माइनस 1 तो 100 टर्म के लिए 200 जा 200 माइनस 1 इट विल बी 190 ठीक है सो वी कैन गेट इट्स 100th टर्म आल्सो राइट हम जिस भी सीक्वेंस की जनरल टर्म लिख सकते हैं 100th तो मैंने एग्जांपल लिया है बट इस 100 के जगह पे 10th भी हो सकती है 200th भी हो सकती है 1000th भी हो सकती है तो हम एक जनरल टर्म बोलते हैं जिसकी हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है n वर्ड इज यूज्ड फॉर जनरल टर्म जनरल टर्म बोलने का मतलब है फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ठीक है जिस भी सीक्वेंस में हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जैसे अभी आपने बोला है कि आप 2 को जो जॉन से नंबर की आपको टर्म चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 1 माइनस कर दो ऑड नंबर्स वाली अभी हमने जो की है तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ गया इसकी nth टर्म लिखने का ठीक है तो जहां पर भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो उसे हम बोलेंगे प्रोग्रेशन ठीक है बट अगर कहीं भी हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल है लिखने के लिए मुझे पता है कि क्या क्या लिखने हैं जैसे प्राइम नंबर्स हम कह रहे हैं तो प्राइम नंबर्स का मेरे पास एक सीक्वेंस है कि ये इस तरह से आ रहे हैं नंबर्स राइट चलिए Now we are coming on the word arithmetic progression. Arithmetic progression means that progression where the difference between two consecutive terms will always remain same during the complete sequence. Right? If I say that I have to write these numbers 2, 4, 6, 8, 10, dash, dash, dash. This is the set of even numbers. Of course, this is a progression. ठीक है यहाँ पर हमारा gap कितने का है 2. Here also the gap is 2. 2, 2. जहां पर भी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा जो डिफरेंस है वो कॉमन रहेगा दैट विल बी कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 1, 6, 11, 16, 21, 26 हेयर ऑल्सो वॉट इज द कॉमन डिफरेंस 5 डिफरेंस इज सेम सो दिस इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट अब जो भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हो ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा है उसको जनरलाइज अगर हम करते हैं तो उसके फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए राइट और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है दिस इज कॉल्ड डी कॉमन डिफरेंस इज डिनोमिनेटेड बाय द सिंबल डी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी राइट ओके फर्स्ट टर्म इज ए नाउ जन अब इसकी फर्स्ट टर्म तो हमने ए दे दी व्हाट कैन वी से अबाउट द अदर टर्म्स फर्स्ट टर्म को एक तो आपने नाम दे दिया ए अदरवाइज वी राइट a1 a2 a2 a3 a4 a3 जो आएंगे ये आपके नीचे लिखे जाएंगे ठीक है सबस्क्रिप्ट ये नीचे की तरफ लिखे जाते हैं इससे थोड़ा सा नीचे राइट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म राइट और अब यहाँ पर जो आपकी एपी है वो एक तो होती है फाइनाइट एपी एक होती है इनफाइनाइट एपी What do we mean by finite AP? Finite AP? Limited. Yes, if number of terms are finite, then that is finite AP. If number of terms are infinite, then that is an infinite AP. दूसरी एक टर्म होती है increasing AP and decreasing AP. In which the number of the value of the terms is increasing, that is increasing AP. And if that is decreasing, then it will be a decreasing AP, right? अब अगर मैं लिख रही हूँ मेरे numbers 5, 10, 15, 20, this is an increasing AP, ठीक है? और अगर इसको उल्टा करके लिख देते हैं 20, 15, 10, 5, dash, 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 this is decreasing AP. What is common difference there? Common difference here is 5. Five. What is common difference here?
जो आपकी इंक्रीजिंग एपी है वहां पे डी आपका पॉजिटिव आएगा. इफ यू हैव डिक्रीजिंग एपी इन दैट केस योर डी विल बी नेगेटिव. राइट. चलिए नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन. वी आर गिवन द स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू टेल वेदर वी कैन राइट द एपी और नॉट. Whether the sequence we will obtain is that AP or not. Your question is the taxi fare. After each kilometer, when the fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for additional kilometer, for each additional kilometer. 15 rupees is for first kilometer and rupees 8 for each kilometer after 1 kilometer. So, yahan se aapke paas sequence aayega, will that be arithmetic progression or not? First term will be for first kilometer 15 rupees, for 2 kilometers if you have to go up to 2 kilometers what will be the fare? 30. No, 15 plus 8 23 plus 8 for 3 kilometers 23 plus 8 31. Is this an AP? कॉमन डिफरेंस इज सेम मींस दिस इज एन एपी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder. सिलेंडर के अंदर एयर है, आप एक बार ही पंप करते हो तो उसमें से 1/4 एयर बाहर निकल जाती है. जितनी भी उसके अंदर है उसकी 1/4 बाहर निकल जाती है. वी हैव टू फाइंड आउट द सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर. ठीक है, फर्स्टली हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द एयर इन द सिलेंडर इज 1000 जो भी उसकी यूनिट है. ठीक है, इसमें से आपने एक बार ही पंप किया तो इसमें से कितनी एयर बाहर निकल गई? 250 is out and what is left? What amount of air is 750. 750. Yes. Now here the gap is 250. एक बार फिर से पंप कर दिया. अगली बार पंप करने में अब आपकी एयर जो है दैट इज 750. It's 1/4 will go out. ठीक है, कितनी रह गई? 500. बेटा जितनी एयर के अंदर है उसका 1/4 निकल गई. Now 750, 1/4 of 750 that is out of the cylinder means 187.5 is out and what is left? What is the amount of air left? 750 minus 187.5. Okay, what is the amount of air left? 562.5. And what is the difference between the two? आपने ये difference decreasing order में AP. ये आपकी ये difference आ गया means here the difference is 187.5. ठीक है, अब आपने ये बताना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. नो मैम. नो मैम. नो मैम. नो मैम. मैम कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. राइट. सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 50 फॉर ईच सबसीक्वेंट किलोमीटर. आपको फिक्स अमाउंट दे दिया कि पहले किलोमीटर तक के आपके 150 रुपीज लगते हैं, उसके बाद रुपीज 50 फॉर ईच सबसीक्वेंट किलोमीटर. विल दैट बी एन एपी? फर्स्ट टर्म क्या मी 150 इक्वल टू 150. फर्स्ट टर्म इज 150. सेकेंड टर्म में 50 ऐड हो जाएंगे. 200 नेक्स्ट टर्म 250 300
Yes, so means this is an it is forming an AP. 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 Now the next, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. You have deposited 10,000 rupees and the rate of interest is 8% per annum. And you have to find out the whether the sequence of the amount of money in the bank every year is AP or not. पहले आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, फर्स्ट ईयर में आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होते हैं राइट, तो फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट कितना लग गया? 10,800. यस, आपने 10,000 का 8% फाइंड आउट किया, कैंसिल, 800 आपका इंटरेस्ट लग गया इसके ऊपर. 10,000 आपके ऑलरेडी थे एंड 800 इज द इंटरेस्ट received and now the money in the bank is 10,800 right. Now for the third year, for the next 1,164. Year again 11,664. 11,664. Yes, fir se ab kya hoga, ab agar beta agar aapka simple interest hota to wo bar bar 10,000 par hi lagta rehta. सिंपल इंटरेस्ट होगा तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि वो एपी है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो एपी नहीं बनेगी राइट. इसके ऊपर अगर आप 8% इंटरेस्ट लगा देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 864. 864 अगर आप ऐड करेंगे यू विल गेट 1164. ठीक है, यहाँ पर आपका गैप है 800 का, हियर योर गैप इज 864. ठीक है, तो ये आपकी क्या है? M. एपी नहीं है. M. हाँ जी बोलो लक्ष्य. हाँ जी बताओ. मतलब क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि अगर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट है तो वो एपी के अंडर, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो एपी के अंडर. बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो बेटा, आप तो वैसे भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 एंड द पावर इज पी. जब आपकी टी पावर है दैट मींस वो 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे होती जा रही है हर साल के लिए, तो जहां पर भी हमारी पावर्स आती है वो हमारी एपी नहीं होती है. ठीक है, अगर यहाँ पर सिंपल आपका कुछ भी प्लस में होता ना, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से, ठीक है, प्लस में एक फिक्स टर्म आती तो वो हमारा क्या होता, एपी होती. बट इस केस में क्योंकि पावर्स है तो पावर्स वाली हमारी एपी नहीं होती है राइट. दोबारा से बता देते हैं, मैंने सिर्फ इसमें बेटा इस तरह के क्वेश्चंस वैसे तो ये जनरली आता नहीं है, बट अगर आएगा तो आपका एक मार्क में आ सकता है जिसमें आपको वैसे तो देख के पता लगना चाहिए दैट इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज देयर मींस वी डू नॉट हैव दिस एज एपी, फिर भी हम करते हैं. यू आर गिवन द मनी इन द बैंक इज 10,000, यू हैव डिपॉजिटेड 10,000 के ऊपर आपका 8% का इंटरेस्ट लग गया. 8% means 8 rupees per 100. अगर 100 rupees के 8 rupees आपको extra मिल रहे हैं तो 10,000 के कितने extra मिलेंगे? That is the meaning of this rate. तो यहाँ पे हम इसके ऊपर 8% लगाते हैं कि इसका 8% होने का मतलब है मुझे 800 rupees extra interest मिला. अब एक साल के बाद ये मैंने 10,000 deposit कराए थे, 800 is the interest. Now after 1 year my amount in the bank is 10,800. पहले 10,000 था, अब 10,800 हो गया. उससे अगले साल के लिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो आपका जो इस साल का अमाउंट होता है वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है. दैट मीन्स 8% अब आपका इसके ऊपर लगेगा, 10,800. इसका 8% आपने फाइंड आउट किया, ये कैंसिल करी एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 864. आपको दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट मिला वो ये मिला. ठीक है, आपके पहले इतने पैसे हो चुके हैं, नाउ यू आर गेटिंग दिस मच मनी एक्स्ट्रा, इन दोनों को आप कर दो प्लस, यू विल गेट 4, 6, 8, 8, 16, 1, 1. ठीक है, अब आपका ये अमाउंट हो चुका. नाउ वी आर चेकिंग वेदर दिस इज एपी और नॉट. हियर द डिफरेंस इज 800. यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है वो 864 का है, मींस द डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी. क्लियर?
Now coming to the next question. If any problem is there, please raise the hand. Second question is, write first four terms of the AP. Now you have to write four terms only, and you are given the value of A and D. A means the first term and D means the common difference, right? What will be the, we have to write four terms of this AP. First term will be? 10. Second term will be? 20. Third will be? 30, 40. We have to write only four terms. So the terms are 10, 20, 30, 40. Now I am taking the fifth part. You are given the first term is -1.25 and the D is -0.25. First term now AP. First term will be -1.25. Then it will be -1.50. Then it is -1.75. Then it will be 2.00. Fourth term -2.00. Likhen ya na likhen, it is not going to make the difference. Yes, decimal four terms. ठीक है, you just have to write only four terms. We have written the four terms. आप इसके अंदर इसको plus करते गए, because minus ही तो आपकी minus minus वो plus होती है, और sign कौन सा रहेगा? Negative. Decreasing order हो गया arithmetic progression. Yes, it is in decreasing order because D is negative. As your D is negative, your answer will be decreasing AP. And if you have positive D, then your AP will be increasing. Now, the question now is, for the following APs, write the first term and the common difference. Now they are saying the questions are in AP. All the sequences, they are AP. And we have to write the first term and common difference. I am taking the third part, 1/3, 5/3, 7/3, 1, 5, 9, and here, 13. First term is 1/3. First term is 1/3, and what is D? 4/3. Ma'am, first term is 0.6 and common difference is 1.1. 0.6 and 1.1. Common difference is? 1.1. Yes. Your first term is 0.6 and the common difference is 1.7 minus 0.6, that is 1.1. Clear? So this way you have to find out the first term and the common difference. Vanshika, ma'am, please mute yourself. Anjil, but a disturbance kabhi hoti hai when you do not sit at a place where there is silence. While studying, please choose your place properly. Chaliye. Now the next question is, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write three more terms. We have to check first of all whether this is AP or not. If this is AP, then we have to write the common difference and next three terms. Pehle simple se hi shuru karte hain. 2, 4, 8, 16. Is it an AP? No, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. 4 minus 2 is 2. No, ma'am. Yes. No, this is not an AP. 8 minus 4 is 4 because the difference is not same, not common. So this is not an AP. Next one is 2, 5/2. 3, 7/2. Is this an AP? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the common difference? 1/2. Yes, common difference is. But इसमें ना अगर ये question आता है तो पहले आपको इसमें करके दिखाना पड़ेगा. You will have to show all the differences to be same. ठीक है? आपको सारा ही show करना पड़ेगा that 5/2 minus 2 is also 1/2. Taking the LCM,
आप जब LCM लेंगे then you will get 5 minus 4 that is 1 upon 2 similarly you will show that 3 minus 5 by 2 is 1 by 2 7 by 2 minus 3 is 1 by 2 ठीक है आप इसको सारा शो करेंगे फिर आप लिखेंगे yes this is an AP with common difference D is equal to 1 upon 2 then we have to write the next terms 1 2 3 4 terms are already here means we have to find out A5 A6 and A7 What will be the fifth term? 7 upon 2 plus 1 upon 2? 4. Okay, 8 upon 2 means 4. And next term will be 4 plus 1 upon 2? 4 2 is 8 plus 9. 9 by 2. 9 upon 2. And next is 9 upon 2 plus 1 upon 2 means? 5. 10 upon 2 means 5. Right? So this way we have to do this question. One question is 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Is it an AP? Yes, root 2 yes, is yes, ma'am. Root 2 ka difference hai. Yes, 3 plus root 2, 3 plus root 2. Okay, yeh hamara yahan par root 2 is the common difference. D is root 2. What will be the 1, 2, 3, 4 terms are here. So we have to write 5th. 6th and 7th term. What will be the 5th term? 3 plus 4 root 2. Next 3 plus 5 root 2. Good, very good. Plus 6 root. Good. Root 3. Root 6. Root 9. Dash dash dash. Is it an AP? Root 12 is also here. Four terms are here. Yes, ma'am. Root three is equal to D. Yes, root 3 is D. Yes, ma'am. This is an AP. Yes, ma'am. Will be root 15. Yes, ma'am. Not an AP. No, ma'am. No, ma'am. This is not an AP. Not an AP. Root 6 minus not. रूट सिक्स माइनस नहीं हो सकता मैम आप माइनस तो बेटा तभी कर पाओगे ना इफ योर टर्म्स आर अलाइक यहाँ पर अगर टू रूट थ्री होता तो आपका माइनस होके रूट थ्री आता ना बट हेयर यू हैव रूट सिक्स माइनस रूट थ्री यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट यहाँ पर आपका अलग से कुछ नहीं आने वाला है जब तक आप इनकी वैल्यूज पुट नहीं करते सो आपका ए टू माइनस ए वन इज दिस ओनली एंड ए थ्री माइनस ए टू इज रूट नाइन माइनस रूट सिक्स रूट नाइन आप थ्री लिख दो माइनस रूट सिक्स ठीक है इसके आगे आप इसे कर ही नहीं सकते जब तक आप रूट सिक्स की वैल्यू नहीं पुट करोगे राइट सो दे टू आर नॉट कमिंग इक्वल ठीक है सो दिस इज नॉट एन एपी क्लियर यस अब ये बता दो रूट टू रूट एट रूट एटीन रूट थर्टी टू इज इट एन एपी Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, common difference. What is the common difference? Root 2. First term is root 2. Second term is root 8. Root 8 can be written as 2 root 2. Root 18 can be written as 3 root 2. 3 3 is 9. 9 under jayega. 9 2 is 18. Theek hai, to root 18. And root 32 is. 4 root 2 ठीक है नाउ वी कैन सबट्रैक्ट अब 2 में से root 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा root 2 3 root 2 minus 2 root 2 will be root 2 4 root 2 minus 3 root 2 will also be root 2 so now in this case your common difference will be root 2 and what will be the fifth term 5 root 2 बिल्कुल आपको जैसा क्वेश्चन है आप उसी के अकॉर्डिंग ठीक है सो दिस वे यू हैव टू डू द क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज मैम एक बार 11th करा दो 11th a a square a cube
हाँ जी, इज इट एन एस मैम वो ही वाला सब्ट्रैक्ट करो ए माइनस ए टेक ए मैम आपके पास रह गया ए माइनस मैम इट्स नॉट एन ए यस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इज कॉमन इन ए स्क्वायर बोथ आर नॉट सेम ठीक है सो दिस इज नॉट एन ए पी एक बार लास्ट पार्ट भी देख लो वन स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर 73 इज इट एन एपी यस मैम यस यस फाइव स्क्वायर 25 कॉमन डिफरेंस 24 यू हैव टू राइट थ्री टर्म्स आल्सो Add करते जाइए 24 you will be 97 121 last और बता दो 1 square 3 square 5 square 7 square is this an AP no no ma'am यहाँ पर आपका common difference same नहीं है here the difference is 8 यहाँ पर आपका 16 हो गया और यहाँ पर आपका हो गया 24 ठीक है तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉमन सो दिस इज नॉट एन राइट सो यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.1 एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद 5.2 राइट अंडरस्टूड एवरीथिंग